नमस्कार, मैं ललिता परिहार, ललिता चूल्हा चौका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं करारे मज़ेदार ऐसे उड़द के बड़े। चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। उड़द दाल के बड़े बनाने के लिए हमने यहाँ एक कप काली छिलके वाली उड़द दाल ली है और इसमें कोई कंकर होगा तो वो भी साफ कर लिया है। अभी इसे हम दो या तीन पानी से धो लेंगे। बड़े बनाने के लिए आप सफ़ेद दाल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काली उड़द दाल का स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। अब ये उड़द दाल को हमने धो लिया है। अब इसमें हम दो या तीन ग्लास पानी डाल के इसे 5-6 घंटों के लिए भिगोने को रख देंगे। लगभग 5 घंटे हो गए हैं और अपनी दाल भी अभी अच्छी तरह से फूल गई है। ये देखिए, इसका छिलका बड़ी आसानी से निकल रहा है। 5-6 घंटे भिगोने से अपने बड़े जो है बहुत ही सॉफ्ट और हल्के बनते हैं। अभी ये उड़द दाल को धोने के लिए हम इसे बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें पानी डाल के हमें इसे अच्छी तरीके से ऐसे घसना है, जिसकी वजह से ये दाल के ऊपर का जो काला छिलका है वो निकल जाए इस तरीके से। और जब तक ये छिलका निकलता नहीं तब तक पानी डाल के हम इसे धो लेंगे। आप जितना इसे अच्छी तरीके से धोएंगे उतने बड़े अपने सॉफ्ट स्पंजी बनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें छिलका निकालना है। हमने इस दाल को 10-15 बार पानी से धो लिया है और सब छिलका निकाल के इसे निथार लिया है। ये देखिए, हमारी दाल का लगभग पूरा छिलका निकल गया है और इसे हमने ड्रेन आउट कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी हमें रखना नहीं है। मसालों में हमने हरा धनिया डंठल के साथ लिया है, हमें इसे मिक्सी में बाटना है। कड़ी पत्ता है 4-5 पान और 15-20 लहसुन की कलियां हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 1 बड़ा चम्मच जीरा लिया है। ये सबको हमें मिक्सी में बाटना है। ये देखिए इस तरह से, इसमें आप हरी मिर्च भी बाट सकते हैं। ये मसाले को मैंने थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। अभी इसी मिक्सी में हम ये उड़द की दाल बाट लेंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी डालना नहीं है, नहीं तो हमारे बड़े पतले हो जाएंगे और कड़क होंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने उड़द दाल को भी दरदरा पीस लिया है। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी, मिर्च पाउडर, वो अपने स्वादानुसार लीजिए। यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है कलर के लिए और नमक डाला है। अभी ये सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है। हम हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी डाला नहीं है, लेकिन नमक डालने के बाद में ये थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अभी बड़े बनाने के हैं इसलिए हमने हाथ को पानी लगाया है और ये देखिए, इस तरह से एक पोर्शन लिया है और इस तरह से इसे हमने ऐसा हाथ पे आकार दिया है और बीच में हमें होल करना है। ये देखिए, पानी लगाने से ये हाथ में चिपकता नहीं और अच्छी तरह से निकल आता है। हमने दाल बिना पानी डाले पीसी है, इसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, नहीं तो ये हाथ में बड़े बनाते वक्त फैल सकता था। कढ़ाई में हमारा तेल भी गर्म हो गया है। हम इसमें थोड़ा सा पोर्शन डाल के देखेंगे। तेल बराबर से बॉईल हो गया है। अभी हम इसमें बड़े डालेंगे। अगर आपके बड़े साइड को चिपक गए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे
ये झारे से इस पे तेल उड़ा सकते हो। तेल हम ऐसे छिड़क देंगे और ये थोड़ी देर के बाद में अपने आप बीच में आ जाएगा। इस तरह से गैस हमें मीडियम ही रखना है और इस तरह से हमें ये बड़े गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से तलना है। बड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, अभी हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। इस पितृपक्ष में आप ये काली उड़द दाल के बड़े ज़रूर बनाइए और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगली सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।